Okay, hello everyone. Very, very good morning to all of you. और आप सभी का एक बार फिर से एमपी एग्जाम वाला के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है. आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आज एक बार फिर से मैं सुबह सुबह आप सभी के सामने हाजिर हूँ. तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए और आज की क्लास को बिल्कुल आज की क्लास का आनंद लीजिए, समझिए, पढ़िए और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फैक्ट्स को कलेक्ट करिए. ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग, जय हिंद. ओके, सो एक बार कंफर्म करके बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं. मैं ऑडिबल हूं ना, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए. एंड देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. यस मैम, ओके. चलिए तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. चलो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे. ऐसे तो जो अगर हम बात करें प्राइवेट एयरपोर्ट की, प्राइवेट रेलवे स्टेशंस की, तो आपने खूब नाम सुना है कि भाई प्राइवेट एयरपोर्ट है, प्राइवेट रेलवे स्टेशंस है. लेकिन अब यहाँ पर प्राइवेट हिल स्टेशन का भी आप नाम सुनोगे. जी हाँ, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले प्राइवेट हिल स्टेशन का अधिग्रहण और पुनरुत्थान करेंगे. आपको ये बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब ऐसा हिल स्टेशन है ना, जिसे अक्वायर करने का काम और रिवाइव करने का काम करने वाले हैं, है ना. और आपको उनका नाम बताना है. प्राइवेट हिल स्टेशन को अक्वायर करेंगे और उसका रिवाइवल करेंगे. नाम बताइए कौन करने वाला है. प्राइवेट रेलवे स्टेशंस प्राइवेट एयरपोर्ट्स की ही तरह अब प्राइवेट हिल स्टेशन भी होगा. पहला प्राइवेट हिल स्टेशन होगा ये, बिल्कुल पहला प्राइवेट हिल स्टेशन होगा जिसे मुंबई की एक कंपनी के मालिक, जिनका नाम है अजय हरिनाथ सिंह, इस हिल स्टेशन को अक्वायर करेंगे और इसका रिवाइवल करेंगे. ठीक है, तो अजय सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है. ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बताया है, अजय हरिनाथ सिंह. हाँ जी, अजय हरिनाथ सिंह लवासा. एग्जैक्टली, तो अजय सिंह, ये अजीत सिंह ही अजय सिंह है. अजय सिंह की जो कंपनी है उसका नाम है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. अजय सिंह की जो कंपनी है, अजय सिंह, इनकी कंपनी का नाम है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. इसने पुणे में स्थित भारत के पहले निजी यानी कि प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा के अधिग्रहण यानी कि अक्वायर और पुनर्जीवित करने के लिए बोली जीत ली है. रिवाइवल करने के लिए जो बोली लगाई गई थी उसको इनके द्वारा जीत लिया गया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लवासा के लिए डार्विन प्लेटफॉर्म की 1814 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो हिल स्टेशन है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा और उनके ही द्वारा इसका, बिल्कुल इसका अक्वायर करके और इसका रिवाइवल किया जाएगा. चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग. चलो नेक्स्ट, अगला है भारत सरकार रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए कितने शहरों में 808 चैनल्स की नीलामी करेगी. बताओ, ई नीलामी,
इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए है ना कितने शहर में 808 चैनल्स की ई नीलामी करेगी, कितने शहरों में? चलिए एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है एमपी एग्जाम वाला के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और बस जल्दी से जुड़ गए हैं आप सभी लोग और क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट कीजिए। तो कितने शहरों में 808 चैनल्स की ई नीलामी की जाएगी रेडियो की रीच बढ़ाने के लिए, रेडियो की पहुंच को बढ़ाने के लिए? और आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल है सही, 284 है ना, 284 शहरों में ई नीलामी करेगी भारत सरकार। 284 शहरों में ई नीलामी करेगी भारत सरकार, 808 चैनल्स की जाएगी। और किस वजह से? आपको पता है रेडियो की रीच को बढ़ाने के लिए। तो भारत सरकार देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी के तीसरे बैच के तहत 284 शहरों में 808 चैनल्स की नीलामी करेगी या करने जा रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया है, बताओ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर न्यू दिल्ली? हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए। चलिए बताइए, बी 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 सभी का भी आ रहा है, सचिन, गुर्जर, कवि प्रताप, शैली, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात, भारत का पहला स्टेट बन गया है गुजरात, जिसने है ना जिसने अपने राज्य में जो कि अपने राज्य में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर आया है। और भारत का ये ऐसा पहला राज्य, पहला स्टेट बन गया है। तो गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो घरेलू सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण क्षेत्र के भीतर त्वरित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 का अनावरण किया है। गुजरात भारत में सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात, ठीक है, हाँ पहला राज्य बन गया, बिल्कुल गुजरात वाले बिल्कुल सही हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे तेलंगाना हाई कोर्ट यानी तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है? तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ए बी सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बता दीजिए, किसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में? ओके, वेरी गुड, आशीष, स्टडी स्टार्ट, कवि प्रताप जी, सचिन शर्मा, रूप सिंह आप गलत हो। देखो तेलंगाना के हाई कोर्ट है ना, तेलंगाना राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हाल ही में अपॉइंट किया गया है आलोक आराधे को। किसे? आलोक आराधे को। तो तेलंगाना के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? आलोक आराधे बन गए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तेलंगाना के गवर्नर, तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर कौन है राज्यपाल?
तेलंगाना के जो गवर्नर है उनका नाम है डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदर्य राज, डॉक्टर तिमिलिसाई तमिलिसाई सौंदर्य राज है। इन्होंने हैदराबाद के राजभवन में, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो फिलहाल उसकी हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही कैपिटल रहेगी, 10 साल बाद चेंज होने की बात की गई, यानी 2014 में ये स्टेट बना था और 10 साल तक जो कैपिटल है वो सेम थी, ठीक है। तो तेलंगाना के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उन्होंने हैदराबाद के राजभवन में न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति आलोक आराध्य को राज्य के स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव। जल्दी से बता दीजिए कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से कब अलग किया गया। ओके, स्क्रीन को मैं ठीक कर देती हूं। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो 2014 यानी कि 2 जून 2014 को तेलंगाना को है ना आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और कहा गया कि भाई 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो सेम रहेगी, यानी हैदराबाद रहेगी, लेकिन जो हैदराबाद का एरिया है वो तेलंगाना के अंदर आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता नहीं है। यानी कि 10 साल के बाद 2023-24 के बाद तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी, है ना, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती, बिल्कुल। चलो, किस टीम ने या किस भारतीय टीम ने पहली बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, किस भारतीय टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा लिया है, महिला सॉफ्टबॉल टीम या मेंस पुरुष खो खो टीम या वुमेन्स मलखम टीम या मेंस मलखम टीम, किस टीम ने पहली बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, किसने किया है, भाई देखो जो वुमेन्स सॉफ्टबॉल टीम है इसने पहली बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है ना, एशियाई खेलों में हिस्सा लिया है, महिला सॉफ्टबॉल टीम। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ए करेक्ट होगा ना कि बी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा ना कि बी, वुमेन्स सॉफ्टबॉल टीम। तो सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 16 सदस्य भारतीय महिला टीम का अनावरण किया, जो 23 सितंबर से चीन के हांगजू शहर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में भाग लेगी, पार्टिसिपेट करेगी। सॉफ्टबॉल को पहली बार महाद्वीपीय प्रतियोगिता में शामिल किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे, सॉफ्टबॉल बिल्कुल, वो भी वुमेन्स की जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है, बताओ किसने जीता है। ये एक कार रेसिंग कंपटीशन है, ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो अवार्ड है, जो टाइटल है, ये किसने जीता है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आपके सामने चार ऑप्शन से बताओ, मैक्स वेरस्टैपन या फिर डेनियल रिकियार्डो या सर्जियो पेरेज या फिर लोगान सार्जेंट, किसने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड,
वही रेडबुल टीम की तरफ से खेलते हैं मैक्स वेरस्टैपन, और इस साल इन्हें बहुत से टाइटल मिले हैं, ठीक है, और भी टाइटल्स हमने पढ़े हैं। तो रेडबुल टीम की तरफ से खेलते हैं मैक्स वेरस्टैपन, और इन्हें एक और टाइटल मिल चुका है जिसका नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेरस्टैपन, मैक्स वेरस्टैपन, ठीक है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसी के साथ मौजूदा डबल विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप ने लगातार सातवीं जीत हासिल की है इन्होंने, रेडबुल से लगातार 12वीं जीत हासिल की है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि और भी बहुत सारे टाइटल इस साल के मैक्स वेरस्टैपन के पास जा चुके हैं, उन्हीं में से एक टाइटल मैंने आपको बताया जिसका नाम है क्या, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल, मैक्स वेरस्टैपन। और देखिए, क्योंकि इनके पास बहुत से टाइटल जा चुके हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्स वेरस्टैपन किस गेम, है ना, किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है, कार रेसिंग करते हैं ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कि निम्न में से किसने कैस्पर रूट को हराकर, कैस्पर रूट को हराकर नॉर्डिया, नॉर्डिया ओपन का टाइटल जीता है, बताओ। कैस्पर रूट को इन्होंने हराया है और नॉर्डिया ओपन का टाइटल जीता है। अनीश गिरी या फिर गुकेश डी या सरगेई कारजाकिन या फिर एंड्री रूबलेव। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, किसने नॉर्डिया ओपन का टाइटल जीता है, कैस्पर रूट को हराया है, तो एंड्री रूबलेव, ठीक है, एंड्री रूबलेव एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में नॉर्डिया ओपन का टाइटल जीत लिया है। बिल्कुल, एंड्री रूबवेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंड्री रूबवेल ने नॉर्डिया ओपन फाइनल में कैस्पर रूट को 7-6, है ना, 6-0 से हराकर सीजन का अपना दूसरा टूर स्तरीय टाइटल हासिल किया है, एंड्री रूबलेव, याद रखिएगा नाम। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कि भारत सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कितने समय के लिए बढ़ाया है, बताओ। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण जो स्कीम है ना, इस योजना को कितने समय तक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, और क्या बात है, वेरी गुड, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई। इस योजना को, इस स्कीम को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इसकी जो अवधि है ये 2024 तक के लिए कर दी गई है, 2024 तक के लिए कर दी गई है, 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बताया। तो भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2 साल के लिए बढ़ाकर 24 जून 2024 तक के लिए कर दिया है, 24 जून 2024 तक के लिए कर दिया है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, 2 जून 2024 तक के लिए कर दिया है, यानी कि 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है, 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कि हाल ही में किस देश ने पीले सागर में अपनी क्रूज मिसाइल को दागा है, हाल ही में अपनी क्रूज मिसाइल को येलो सी में पीले सागर में दागा है, बताइए, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया या फिर ईरान। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए।
भाई मिसाइल विसाइल दागने का काम अक्सर नॉर्थ कोरिया ही करता है, और एक बार फिर से येलो सी में है ना, यहाँ पर पीले सागर में उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने अपनी क्रूज मिसाइल को दागा है, अक्सर यही काम करता रहता है। तो उत्तर कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया ने चाइना और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित येलो सी में पीले सागर में कई क्रूज मिसाइल दागी है। इसकी पुष्टि दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने की है। ठीक है, साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी पुष्टि की है। चलो, हाल ही में किस कंपनी को एक्स के रूप में रीब्रांड किया गया है? एक्स के रूप में रीब्रांड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो। एक्स के रूप में रीब्रांड किया गया है, हाँ जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। भाई ट्विटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ट्विटर है ना, ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसे एक्स के रूप में रीब्रांड किया गया है। बताओ ट्विटर किसकी कंपनी है, ट्विटर के ओनर का नाम बताइए, ट्विटर के ओनर का नाम बताइए। बाकी जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर ए ही होगा, ट्विटर के ओनर का नाम बताइए। टेस्ला के ओनर का नाम बता दीजिए। थोड़ा जल्दी, ट्विटर या टेस्ला के ओनर का नाम नहीं पता है क्या? नहीं पता है तो नो लिखिए कमेंट में, नहीं पता तो कमेंट में नो लिख के बताइए। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सोचने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अच्छा नहीं पता तो एक काम करिएगा, चलिए यहाँ पर मैं बताऊंगी, आप फिर से भूल जाएंगे। आपका आज का ये वर्क है कि क्लास एंड होने के बाद आप खोजेंगे कि ट्विटर के ओनर कौन है और टेस्ला कंपनी के ओनर कौन है, ट्विटर और टेस्ला के ओनर। और चलिए आंसर आ गया है, बट फिर भी थोड़ा शायद आप लोगों ने सर्च किया होगा उसके बाद आंसर दिया होगा। यहाँ पर जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया या जिन्हें नहीं पता, वो खोजिएगा, ढूंढिएगा कि ट्विटर और टेस्ला के ओनर कौन है, मालिक कौन है, और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर जरूर लिखिएगा, मैं वेट करूंगी कि आप लोग आंसर दो। चलो, SpaceX, टेस्ला, ट्विटर, एलन मस्क, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। भाई मैं देख रही थी कि इतने इजी क्वेश्चन को आप लोग बताने में कितना टाइम लगा रहे हो, टाइम क्यों लग गया, मेरे पास ही कमेंट देर में आए और फिर आप लोगों ने ही टाइम लगाया, पता नहीं क्या हुआ, बट ठीक है, आंसर आप लोगों ने बताया है, सही बताया है, बट जिन्हें नहीं पता है वो लोग ढूंढेंगे। SpaceX कंपनी के भी ऑनर, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर, ट्विटर को रीब्रांड करने के लिए
करने के प्रयास में एलन मस्क ने, यहाँ पर आंसर छिपा हुआ है, एलन मस्क ने एक नए लोगो एक्स का अनावरण किया है, एक नया लोगो यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है, इसका अनावरण किया है। यह जो लोगो है ये काले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद एक्स होगा, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगा और उसके ऊपर व्हाइट कलर में एक्स होगा, ये इसका क्या है, नया लोगो होगा ट्विटर। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स लेट आए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, निम्न में से किसने टॉम्परे ओपन 2023 का टाइटल जीता है? निम्नलिखित में से किसने टॉम्परे ओपन 2023 का टाइटल जीता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम थी। ओके, मैं समझ गई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सुमित नांगल, वेरी गुड। सुमित नांगल ने हाल ही में ये टाइटल जीता है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित नांगल। तो फिनलैंड देश में इसका आयोजन किया गया था, फिनलैंड के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फिनलैंड में आयोजित टॉम्परे ओपन 2023 का फाइनल जीतकर भारतीय टेनिस प्लेयर सुमित नांगल ने एटीपी चैलेंजर पुरुष एकल का टाइटल जीत लिया है। यह सुमित का फोर्थ एटीपी चैलेंजर टूर टाइटल था, सुमित नांगल। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पांचवा हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, है ना, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयर क्राफ्ट समिट, फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो भाई मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का एक ऐसा, है ना, एक ऐसा स्थान जहां पर पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा आगे है ये स्थान, है ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, जिसका नाम है खजुराहो। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर, मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर इस समिट का आयोजन किया जाएगा। खजुराहो है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है खजुराहो, और यहाँ पर ही इस समिट का आयोजन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में, तो पांचवा हेलीकॉप्टर, है ना, फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ। यह आयोजन पवन हंस लिमिटेड, है ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन का विषय रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट है, इसका क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, प्रमुख विषय। खजुराहो में अभी कल ही, है ना, इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है, और किसके तत्वाधान में हुआ है, तो याद रखिएगा, पवन हंस लिमिटेड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाओ कि निम्न में से ऐसे कितने विश्व पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल, हाँ, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, किसने जीता है तीरंदाजी, है ना, विश्व पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में, विश्व तीरंदाजी टूर्नामेंट में किसने जीता है? तो भैया ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सरिता और राकेश, सरिता और राकेश एक ऐसे यहाँ पर प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने विश्व पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
एमपीपीएससी का कोर्स लेना है तो आप पीडब्ल्यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिए हेमंत। पीडब्ल्यू ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो एमपीपीएससी की कैटेगरी में जाएंगे, वहां पर आपको एमपीपीएससी का सक्षम बैच मिल जाएगा। भारतीय पैरा तीरंदाज राकेश और सरिता ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 के कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, जबकि भारतीय खिलाड़ी शीतल देवी ने महिला कंपाउंड में सिल्वर मेडल जीता है। इसका आयोजन 18 से 23 जुलाई तक चेक गणराज्य में इसका आयोजन किया गया था। 18 से 13 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था सरिता और बिल्कुल राकेश जी ने। सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में किस देश ने एक स्मारक का अनावरण किया है, बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हमारी जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी के योगदान के लिए एक यहाँ पर उसके सम्मान में है ना एक देश है जिसने स्मारक का अनावरण किया है, बताओ किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए। तो भाई इटली बताया है, किसने बताया है, बी यानी कि इटली। इटली वो देश है जिसने हाल ही में एक स्मारक का अनावरण किया है और किस लिए किया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी जो इंडियन आर्मी है इंडियन आर्मी के योगदान के सम्मान में इटली ने किया है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इतावली अभियान में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में इटली ने एक स्मारक का अनावरण किया है। यह स्मारक एक जीवित धूप घड़ी के रूप में है। इसका आदर्श वाक्य है वी ऑल लिव अंडर द सेम सन, ठीक है, वी ऑल लिव अंडर द सेम सन। यह सम्मान विक्टोरिया क्रॉस के नायक यशवंत घाटगे को श्रद्धांजलि देता है। इटली वो देश है जिसने स्मारक का अनावरण किया है। हाँ जी चलो, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने किस वर्ष तक पूरे देश को E20 ईंधन में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, बताओ। By which year the government of India has set a target to cover the entire country in E20 fuel 2025, 2027, 2030 या 2035? बताओ। 2025 का टारगेट रखा गया है, 2025 का टारगेट रखा गया है कि 2025 तक पूरे देश को E20 फ्यूल में शामिल कर दिया जाएगा, पूरे देश को E20 फ्यूल के अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा और 2025 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो भारत ने इस वर्ष 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत का टारगेट है कि 2025 तक पूरे देश को इसमें शामिल कर दिया जाए। इसके साथ ही भारत ने 2023 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और इस तरह से आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं कवर। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, और धीरे धीरे एक आदत भी लग गई होगी है ना, क्लास लेने की आदत भी लग गई होगी। और मुझे काफी अच्छा लगता है ये देखकर कि हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाते हो। हाँ, हर रोज सुबह आप लोग एकदम रेडी रहते हैं
क्लास को अटेंड करने के लिए। और देखिए अगर कभी 2-4 मिनट का लेट होता है ना, तो आप लोग परेशान मत हुआ करें, आप लोग वेट किया करें। कभी कभार कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर हम ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, सारा का सारा टेक्नोलॉजी का ही खेल है, और थोड़ा बहुत कभी आगे पीछे हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। इस वजह से आप लोग वेट किया करो और क्लास को अटेंड किया करो, है ना। जैसे कमेंट में लिखने लगते हैं कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, नहीं क्लास होगी, रोज क्लास होगी। चलिए तो कल भाई 27 जुलाई के दिन मिलते हैं सुबह 8 बजे कल फिर से मिलते हैं। तो चलो कल सुबह 8 बजे के लिए रेडी हो जाओ, और आज के दिन की शुरुआत आपने कर ली है डेली करंट अफेयर्स के साथ, और पूरा दिन बिल्कुल तरोताजगी से आप अपने अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, आपने अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो। तो चलो मिलते हैं कल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।